भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, हमारे प्रभारी श्रीमान जयंत पांडा जी, श्री केशव महंत जी, श्री कामाख्या त्यासा जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री नाबा डोले जी, श्री राजेंद्र गोहई जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, और आज इस पवित्र भूमि पर श्रीमंत शंकर देव के प्रति हम सब श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं, तब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं नमस्कार करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां उपस्थित हूं, तब मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि मैं गुजरात, भारत से पश्चिमी क्षेत्र गुजरात से आया हूं। वहां पर भी श्री कृष्ण और वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और अनुयायी, और आज मैं पूरब में छेक आसाम में आया हूं, जहां श्रीमंत शंकर देव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्मस्थान पर आज मैं आया हूं। मित्रों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव ने की, और माधव देव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहां पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है, उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूं कि श्रीमंत शंकर देव के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को हम न केवल असम, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ा पाए और उसको लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना पाए। मित्रों, आज यहां जब आया हूं वटद्रवा की ये पवित्र भूमि पर, ये श्रीमंत शंकर देव का आविर्भाव भूमि है, जहां श्रीमंत शंकर देव ने मानव स्वरूप लेकर न केवल असम, पूरे भारतवर्ष को भक्ति करने का, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक नया रास्ता दिया। मित्रों, श्रीमंत शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को तो खड़ा किया, इसके साथ साथ उन्होंने भारत की एकता के लिए भी कई सारे काम किए। जब श्रीमंत शंकर देव का ये वाक्य याद करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति उनका कितना बड़ा लगाव था। उन्होंने कहा, कोटि कोटि जन्म अंतरे जाहर आसे महापुण्य राशि, शीश कदाचित मनुष्य होवे भारत वरिषे आसी। इसका मतलब है, कोटि कोटि जन्म तक आप पुण्य करते हैं और महान पुण्य का योग होता है, वे ही कदाचित ये पवित्र भारत वर्ष में जन्म लेने के अधिकारी होते हैं। मित्र, इन्होंने ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को कितनी दूरदृष्टि के साथ भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के वक्त एक बहुत बड़ा वाक्य श्रीमंत शंकर देव के लिए कहा, असम सही में बहुत भाग्यशाली है कि 500 साल पहले यहां शंकर देव ने जन्म लिया, जिन्होंने आसामियों का एक ऐसा आदर्श दिया जिसने राम राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शासन का उद्देश्य गरीब दबे कुचले उनको आगे बढ़ाने का होना चाहिए, राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य थे आगे बढ़ना चाहिए। और आज मुझे बहुत आनंद है, इसी बजट में हेमंत विश्व शर्मा जी ने हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगो युगो तक श्रीमंत शंकर देव का यहां पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं ये दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को, कि सालों से स्थान राह देखता था, अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया,
श्रीमन शंकर देव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव पंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी आसाम और देश को रास्ता बताने का काम करे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमन शंकर देव की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमन शंकर देव को संदेश को आगे बढ़ाने वाला काम किया। मित्रों, यह भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी बागेश्वरी फुकनोनी, तिलक डे का, लक्कीकांत हजारिका, ठोगरुम सूत, बलोराम सूत, कोलाई कोच, होमोकांत बरुआ, हेमोरम पटोर, ये सभी लोगों की भूमि है जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं होता। और मित्रों, हमारे अभी अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमादास नौगांव से ही है, गायक पापोन भी यहां से है। ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया है। श्रीमन शंकर देव से लेकर गायक पापोन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। मित्रों, आज श्रीमन शंकर देव और श्री श्री माधव देव ये दोनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नव वैष्णव आंदोलन के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है और अभिमान भी है कि ये काम जब हो रहा है तब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ से नामगढ़ में जाकर श्रीमन शंकर देव के चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने वाला हूँ। मित्रों, श्रीमन शंकर देव ने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति थी उसको भक्ति के साथ जोड़ने का काम किया और भक्ति आंदोलन से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो हम करने जा रहे हैं ये युगों तक यहां पर इसको श्रीमन शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ यहां पर नहीं, श्रीमन शंकर देव के जन्म स्थान पर नहीं, आसाम सरकार ने 8,000 से ज्यादा नामघरों को जो 50 साल से पुराने हैं उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को नई दिशा बख्शी। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है, मुख्यमंत्री जी और हेमंत विश्व शर्मा यही है, ये संख्या 8,000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमन शंकर देव को विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, जब हम शंकर देव को याद करते हैं तब हम सब ने एक बात याद रखनी चाहिए, जो भारतीय नहीं है वो असमिया नहीं हो सकता। और आज बटद्रवा का विकास का संकल्प जो हो रहा है, इसके अंदर अपने 12 वर्षों के तीर्थासन से लौटकर महापुरुष शंकर देव जी ने सबसे पहले वैष्णव धर्म का एक शरणम नाम मत की शिक्षा का प्रवचन देना प्रारंभ किया था। यहाँ मणिकूट कीर्तनगढ़ चारीहाटी निर्माण भी करवाया, वो जगह वो जो हरड़ वृक्ष है वहां पर ये स्मारक बनने जा रहा है। मित्रों, कीर्तनगढ़ और कई सारे चीजों यहाँ पर मजबूत होने वाली है। अतिथि गुरु बनेगा, कला केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाशगंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा
प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र भी बनने वाला है। अपने आप में एक परिपूर्ण स्मारक बनाने का काम हेमंत विश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत की। एक जमाना था कि असम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहां पर खड़े होते थे। आज मोदी जी ने असम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो किया। असम का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा। हमारे सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यहां पर तरुण गोगाई जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर उनका भी बड़ा योगदान था, उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। असम की गरिमा, असम की संस्कृति, असम की भाषा, असम का साहित्य और असम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, मगर सबसे बड़ा काम किया असम के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। असम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, असम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, असम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया, असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो असम हथियार और आंदोलन के लिए जाना जाता था, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ, अभी कल दो दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए हैं। और मित्रों, मोदी जी ने यहां पर 35 बार 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर यहां की विकास को गति देने का काम किया है। मित्रों, आज चुनाव आने वाला है। कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ती, पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं, मौज मजे करते हैं, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते, फिर से उन्होंने चालू किया है, चुनाव आया तब। और इस बार चुनाव में तो एक विशेष बात दिखाई पड़ती है, असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े हुए, उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद, बहुत दर्द होता है, उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। क्या समझते हैं असम की जनता है, समझती नहीं? क्या उनको ऐसा लगता है कि असम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? असम की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद मिलकर ही असम को एक विकसित, एक शांत और घुसपैठियों से मुक्त राज्य बना सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। आज इन्होंने भाषा बदली, मैं उनको पूछना चाहता हूं, असम के गौरव की बात करते हैं, असम का गौरव गेंडा, आपके शासन में एक घुसपैठिए गेंडों का शिकार करते थे, आप क्या करते थे? नहीं रोकते थे, क्योंकि वोट बैंक की लालच थी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी जरा जोर से हा ना बोलना, अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या?
जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? असम के घेंडे को बचा सकते हैं क्या? असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आओगे और असम की सुरक्षा की बात करोगे? असम जनता, असम की जनता आपको जानती नहीं है? आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कोमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप निकले हो। आसाम की जनता आपको जानती है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ काम किया है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, मगर एक काम करना अभी बाकी रह गया। हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना, आसाम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। यहां सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बनाया जाएगा और आसाम को बाढ़ मुक्त करने का काम किया जाएगा। मित्रों, मैं आज आसाम की जनता को कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाकर आसाम की जनता को वापस देंगे। मित्रों, मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर को विकास के लिए चिन्हित किया और विकास यात्रा शुरू हुई। मैं सिर्फ आसाम की बात करना चाहता हूं, सिर्फ पिछले 5 सालों में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, और आज रिफाइनरी के निर्माण के लिए भी 30 साल से लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस सरायघाट पुल को के बाद दूसरे पुल के लिए भी काम चालू हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए गए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया है। गुवाहाटी का हवाई अड्डा नया बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लाए हैं। टीहू में फूड पार्क लाए हैं। जोगी दोपाक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लाए हैं। गोगामुख में भारतीय संस्कृति भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बना है और कल ही थोड़े दिन पहले ही शिव सागर में जेरंगा पठार में 1,00,000 लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 8,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का असम को चुकाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को खुली चैलेंज देता हूं, मैंने तो गिनाया हमने क्या किया है। 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री भेजा, मनमोहन सिंह यहां से ही गए थे राज्यसभा सदस्य बनाकर। 15 साल में यहां आपकी सरकार रही, आसाम के लिए क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, 2-2 हाथ हो जाए, एक बदब आपके 70 साल और एक और हमारे 7 साल। 70 साल में जितना विकास आपने नहीं किया, हमारे 7 साल के विकास करने का काम किया है। मैं फिर से एक बार हमारे मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड प्रबंधन असम सरकार ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, असम के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र चाय बागान का है और चाय बागान के क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार लेकर आई है, जिससे उनके आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र के बात करूं तो गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय खुला 860 करोड़ के लागत से। टाटा ग्रुप ने कैंसर अस्पताल खोला है। लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 नए मेडिकल अस्पताल खोले हैं और आयुष्मान भारत पीएम जय के साथ यहां पर
अटल अमृत अभियान भी चलाया गया है, किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर 53,000 करोड़ रुपया आसाम के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष रूप से देने का काम किया है। 30,000 करोड़ का बजटीय आवंटन SDRF के लिए 770 करोड़ रुपया और स्थानीय इकाई के लिए 2,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है और बहुत सारे और भी तोहफे दिए हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि गोपीनाथ जी ने जिस आसाम को भारत के साथ जोड़कर रखा, वो आसाम को पूर्वोत्तर के साथ जोड़कर पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। आसाम के युवाओं को रोजगारी के लिए देश में कहीं न जाना पड़े, इस प्रकार के आसाम का निर्माण करना है। एक कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आसाम का विकास कर सकती है क्या? बताओ भैया, कर सकती है? घुसपैठियों को रोक सकती है? गैंडे का शिकार रोक सकती है? विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है? और ये जो आंदोलनजीवियों ने नई पार्टी बनाई है, उनको मालूम नहीं है आसाम की अस्मिता की बात करने वाली आसाम गण परिषद हमारे साथ, पूरे भारत के साथ आसाम को जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद दोनों मिलकर अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा वोट सीटों के साथ यहां सरकार बनाने वाली। मैं आसाम की जनता को इतनी ही विनंती करने आया हूं कि मित्रों, 5 साल एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपने दी और आपने विकास को देखा है, एक और 5 साल दे दीजिए, हम आसाम को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, नंबर 1, आप बताइए आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? जोर से बोलिए, ले जाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? श्रीमंत शंकर देव और माधव देव का सपनों का आसाम बनाएंगे? बनाएंगे? 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताएंगे? तो मेरे साथ बोलिए, जय गुरु अंकर, जय गुरु अंकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत के माननीय गृह मंत्री जी को अपने भाषण से हमें प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। আমি সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা মুহূৰ্তটো সমাগত। বটদ্ৰৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি ভাৰতৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শংকৰী ৰীতি নীতি আৰু মংগল সাধনাৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব।